हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी भर्ती रिजल्ट डेट को लेकर यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड्स की तरफ से यहाँ पर रिप्लाई आया है आरआरबी की तरफ से, जो एक यहाँ पर कैंडिडेट ने मेल किया है, उस मेल का रिप्लाई आया है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रिजल्ट एक्सेप्टेड कब तक आ सकता है। इसके बाद में ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर भी यहाँ पर एक आरआरबी को मेल भेजा था, उसका यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आया, तो दोनों यहाँ पर मेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें एनटीपीसी के बारे में, यहाँ पर पूछा गया था, उसके अंदर बताया गया व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पांस की जो है वो यहाँ पर रेलवे के द्वारा जारी की गई थी, जो कि 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त और 23 अगस्त तक चली थी यहाँ पर। तो ये बताया गया है, और ऑल ऑब्जेक्शन लीक है वो यहाँ जो आपके ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उनको वेरीफाइड किया जाएगा, फाइनल की है वो पब्लिश की जाएगी, उसके बाद में रिजल्ट है वो आपका देन विल बी प्रोसेस्ड द रिजल्ट द सेम विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ आरआरबीज, हैंस कीप वॉचिंग द वेबसाइट आरआरबी भुवनेश्वर .gov.in। तो यहाँ पर भुवनेश्वर को भेजा गया था ये जो मेल है, तो उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि जो रेलवे की तरफ से ये सारी चीज़ें की गई हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह लिए गए हैं, उनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल आंसर की आपके नंबर के साथ जारी की जाएगी, और उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, जो कि रेलवे की आरआरबी की ऑफिशियली वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया, इसमें डेट वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया। अगर बात करें हम ग्रुप डी एग्ज़ाम की, तो छात्रों के द्वारा कैंपेन भी चलाया गया था, काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया गया था यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो रिप्लाई आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो ये यहाँ पर पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी और ग्रुप्स आपका एनटीपीसी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कितना विलंब होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। ये इन्होंने रिप्लाई दिया है, द डेट्स ऑफ आरआरसी सीईएन 01/2019 एग्ज़ाम विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियली वेबसाइट व्हेन इट इज़ फाइनलाइज्ड। तो यानी कि अभी फाइनल एग्ज़ाम नहीं, फाइनल यहाँ पर डेट नहीं हुई है, क्योंकि अभी प्रोसीजर चल रहा है रेलवे आरआरबी के अंदर। जैसे ही फाइनल होगा तो यहाँ पर आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर डाला जाएगा। आरआरबी बेंगलोर की तरफ से यहाँ पर ये रिप्लाई आया था। तो दोनों यहाँ पर हमें किसी में भी डेट यहाँ पर नहीं बताया गया है रेलवे के द्वारा। ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए काफ़ी यहाँ पर मुश्किल का समय है, क्योंकि 2019 में फॉर्म भरे गए थे, 2021 भी यहाँ पर चला जाएगा। एग्ज़ाम डेट रेलवे के द्वारा अभी भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर दुख की बात है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।